Sarah's Kitchen. Pakistani cuisine and Indian cuisine recipes by Sarah Khan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की रिस्क को रोजी में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ पाए की रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिन व्यूज ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बड़े पाए ले लिए हैं, गाय के पाए हैं। ये इनका वज़न तकरीबन 2 किलो के बराबर है। इसे मैं अब 2 लीटर पानी डाल के कुकर में चढ़ाऊँगी। साथ ही इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये लहसुन अदरक पेस्ट की रेसिपी आपको सामने स्क्रीन पे आई बटन आएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं ये रेसिपी। अभी आपने 2 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें भर भर के आपने डालना है। अच्छा, फिलहाल इसमें अभी हम कोई भी और मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। तकरीबन ये आपने 2 घंटे जो है आपने इसको धीमी आंच पे वेट चलने के बाद इसे आपने पकाना है। उसके बाद आप कुकर खोल के चेक करेंगे, अगर आपको लगा कि अभी कसर है, क्योंकि बड़े पाए काफी टाइम लेते हैं गलने में, तो आप मजीद इसको पका सकते हैं। ये देखें पाए कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं हड्डी से जितना भी जो इसका गोश्त है। इसको तकरीबन मैंने आपको 2 घंटे बोला था, लेकिन मैंने इसे 3 घंटे के लिए कुकर में धीमी आंच पे पकाया है। लेकिन अगर आप बग़ैर कुकर के बनाएंगे तो तकरीबन 6 से 8 घंटे लगेंगे इस तरह के रिज़ल्ट आने में। लेकिन अगर आप कुकर में बनाएंगे तो 3 घंटे में पाए जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अब हम इसकी ग्रेवी की स्टार्ट करते हैं तैयारी। 1 प्याली जो है तेल में डाल रही हूँ, क्योंकि पाए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा तेल हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 अदद बड़े साइज का प्याज है। मैंने बड़े साइज का प्याज स्लाइसेस में काट के डाल दिया। अब इसे अच्छा सा हमने गोल्डन ब्राउन कलर देना है। 1 पाव मैंने दही ले लिया है और 1 पैकेट मैंने पाया मसाला ले लिया है। दही में डाल देंगे पाया मसाला, अच्छे तरीके से इसे दही में पहले ही मिक्स कर लें। ये मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दही में कोई ना कोई इसकी रह जाते हैं दाने, तो फिर वो सामने आ जाते हैं शोरबे में। ये देखें एक अच्छी सी पेस्ट रेडी हो गई है। जैसे ही प्याज ब्राउन होगा ये पेस्ट हम डाल देंगे। प्याज का देखें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। अब ये जो मैंने पेस्ट तैयार की थी दही और मसाले की डाल देंगे। ये देखिए यखनी से मैंने अलग कर लिया पाए, और इसमें डाल के थोड़ा सा भूनेंगे पाए। देखिए तमाम जो गोश्त है वो हड्डी से बिल्कुल अलग हो गया है, कितना अच्छे तरीके से पाए जो हैं वो गल गए हैं।
देखिए 5 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, कितना ही अच्छा जो है तेल सारा बाहर आ गया। इसका मतलब है कि पाए बहुत अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब जो यखनी हमारी थी इसमें हम शामिल कर देंगे। यखनी डालने के बाद इसे तकरीबन हमने 5 से 10 मिनट यखनी के साथ पकाना है। पाए का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं आपको चमचा चला के बीच में दिखाती हूँ। बड़ा अच्छा शोरबा तैयार हुआ है थिक सा। अब ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पाए तैयार हैं। आपने देखा कितनी आसान रेसिपी के साथ हमने ये पाए तैयार कर लिए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।